Good morning, everyone. Hope you all are fine at your places. This is class 3rd, chapter number 4, lecture number 1. Chapter name is Know Your Computer. आइए अपने कंप्यूटर के बारे में जानते हैं. Here are some students. They are asking, Dear teacher, we wonder what all is computer made of. Computer किस तरह से बना होता है? And how does it perform all the task? और यह सारा काम कैसे करता है? And teacher said, Yes, students, in this chapter, we will get to know more about a computer. इस चैप्टर में हम computers के बारे में पढ़ेंगे and its various components और इसके components के बारे में. So, let's start. A computer is a machine. एक computer एक मशीन होती है विच कैन डू अ वेराइटी ऑफ टास्क एट द सेम टाइम. जो क्या करती है? बहुत सारे काम एक टाइम में कर सकती है. दिस इज द रीजन व्हाई कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज. यही रीजन है कि कंप्यूटर डिफरेंट एरियाज में क्यों यूज होता है. ओके चिल्ड्रन, डू यू एग्री दैट अ कंप्यूटर कैन डू अ वेराइटी ऑफ टास्क. चिल्ड्रंस, क्या आप इस बात से एग्री हो कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बहुत सारे काम कर सकता है? नाउ लेट अस चेक वॉट यू कैन डू विद योर कंप्यूटर. आइए देखते हैं कि हम अपने कंप्यूटर से क्या क्या कर सकते हैं. टिक द टाइप ऑफ वर्क दैट यू कैन डू ऑन योर कंप्यूटर. उन सभी कामों पे टिक करना है जिन्हें हम अपने कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं. ओके फर्स्ट वन इज प्ले गेम्स. क्या हम कंप्यूटर से गेम खेल सकते हैं? यस वी कैन प्ले गेम्स. सेकेंड वन इज ड्रॉइंग एंड कलरिंग. क्या हम अपने कंप्यूटर से ड्रॉइंग और कलर कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स हम ड्रॉइंग भी कर सकते हैं कंप्यूटर को यूज करके और कलर भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज टाइप लेटर्स. क्या हम कंप्यूटर को यूज करके लेटर्स टाइप कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन टाइप लेटर्स. ओके नेक्स्ट इज लर्न अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स. क्या हम कंप्यूटर को यूज करके अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं? यस ऑफ कोर्स वी कैन लर्न अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट वन इज वॉच मूवीज. कैन वी वॉच मूवीज बाय यूजिंग कंप्यूटर. हम कंप्यूटर्स को यूज करके मूवीज देख सकते हैं? ऑफ कोर्स हम मूवीज देख सकते हैं. सेंड एंड रिसीव ईमेल्स. ईमेल सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज स्टोर फाइल्स. फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. बट मेक अ फूड. कैन वी मेक अ फूड बाय यूजिंग कंप्यूटर. क्या हम कंप्यूटर को यूज करके फूड अपना खाना बना सकते हैं? नो वी कैन नॉट मेक अ फूड बाय यूजिंग कंप्यूटर. ओके नेक्स्ट इज व्हाट इज अ कंप्यूटर एंड हाउ डज इट वर्क. कंप्यूटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है दैट टेक्स डेटा एज इनपुट. जो हमारे डेटा और हमारे इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के रूप में लेती है, प्रोसेस इट, उसे प्रोसेस करती है एंड गिव द रिजल्ट एज आउटपुट. और क्या करती है? रिजल्ट देती है आउटपुट के रूप में. राइट अ कंप्यूटर वर्क्स इन द फॉलोइंग वेज. एक कंप्यूटर इन सभी तरीकों से वर्क करता है. फर्स्ट वन इज यू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर यूजिंग द इनपुट डिवाइस. हम अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर कराते हैं किसकी हेल्प से? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से. कौन कौन से होते हैं इनपुट डिवाइसेस? कीबोर्ड एंड माउस. ओके दिस इज कॉल्ड द इनपुट डेटा. ये क्या कहलाता है? इनपुट डेटा. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस टेल द कंप्यूटर अबाउट व्हाट टू डू विद डेटा. और जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो हमें बताती है कि कंप्यूटर्स को डेटा के साथ क्या करना है. ओके नेक्स्ट इज द कंप्यूटर वर्क ऑन इनपुट डेटा. कंप्यूटर इनपुट डेटा पे वर्क करता है एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट. जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है उसकी हेल्प से क्या करता है सीपीयू?
जो हमारा डेटा होता है उसे प्रोसेस करता है, और ये क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग. ओके, कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन द इनपुट डेटा विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट. जो कंप्यूटर होता है वो हमने जो डेटा दिया है उसे प्रोसेस करता है प्रोसेसिंग डिवाइस की हेल्प से. एंड द प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू. आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा, डेटा को प्रोसेस करने के बाद द कंप्यूटर गिव्स रिजल्ट ऑन द आउटपुट डिवाइस. जो कंप्यूटर होता है वो किस पे रिजल्ट देता है? आउटपुट डिवाइसेस पे. दिस इज कॉल्ड आउटपुट. इसे क्या कहते हैं? आउटपुट. और एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं आउटपुट डिवाइसेस के? मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा. ओके, नेक्स्ट वन इज द अबव मेंशन्ड स्टेप टुगेदर फॉर्म्स द इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रोसेस. ओके, ये क्या, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रोसेस. ओके, आईपीओ प्रोसेस. नेक्स्ट इज लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल. एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. इट इज फ्लोर दैट इट इज अ इनपुट. फ्लोर मीन्स आटा. ये क्या है? हमारा इनपुट है. हमने इसे नीड में प्रोसेस करने के लिए दिया. इसने राउंड राउंड करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. मम्मा आटा लगाती है ना, तो ये वही है. डॉग, डॉग क्या होता है? ये हमारा आउटपुट है जिससे रोटियां बनती है, राइट. तो ये क्या हुआ? ये हमारा इनपुट था, यहाँ प्रोसेस हुआ और ये हमारा आउटपुट आया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन क्या है? ऐड, कि हमें अपने डेटा 5 और 10 को क्या कराना है? ऐड कराना है. दिस इज अ इनपुट एंड आफ्टर दैट सीपीयू ने इसे प्रोसेस किया. 5 + 10 इज इक्वल टू 15 एंड देन आउटपुट 15. दिस इज अ आउटपुट. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स. हमारे कंप्यूटर्स में क्या क्या लिमिटेशंस होती है? अ कंप्यूटर इज अ डम मशीन. कंप्यूटर एक डम मशीन होती है. इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन. जो कंप्यूटर होता है वो अपना काम अपने आप से नहीं कर सकता. कोई भी काम कंप्यूटर अपने आप से नहीं कर सकता. इफ नो कमांड इज गिवन टू इट. अगर उसे कोई भी कमांड ना दी जाए तब तक हम अपने कंप्यूटर को कोई कमांड नहीं देते, वह अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. एक कंप्यूटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है. कैन वर्क ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल. और सिर्फ तभी वर्क करता है तब इलेक्ट्रिसिटी होती है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता. तो ये इसकी ड्रॉबैक है कि मान लो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम वर्क कैसे करेंगे. तो ये इसकी लिमिटेशंस है. द पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज. कंप्यूटर्स के पार्ट कितने कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टू कैटेगरीज में. लेट अस लर्न अबाउट देम. आइए उन सब के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज हार्डवेयर. द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड फील आर कॉल्ड द हार्डवेयर. कंप्यूटर्स के वे सभी फिजिकल पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर. फॉर एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू एटसेट्रा. वी कैन टच ऑल दीज पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, हार्डवेयर पार्ट आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं वो उसके बाद कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं? इन सब में. इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस. ओके, लेट अस लर्न अबाउट दीज डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू फीड डेटा और इंस्ट्रक्शन इन टू अ कंप्यूटर. जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो हमारी डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर्स के अंदर भेजते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर गिवन बिलो. कुछ एग्जाम्पल्स क्या है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, वेबकैम, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन. ओके, माउस को यूज करके कर्सर की हेल्प से हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं. कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करके अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. स्कैनर की हेल्प से हमें कुछ भी स्कैन करना हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपना डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं. वेब कैमरा, वेब कैमरा
फोटोज के लिए यूज किया जाता है, फोटोज क्लिक करने के लिए। नेक्स्ट वन इज जॉयस्टिक, जॉयस्टिक गेम के लिए यूज की जाती है। तब हम गेम खेलते हैं तो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के पास ही तो जाती है, तभी तो वो डिसाइड करना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन, तब हम बोलते हैं तो हमारी वॉइस किस में जाती है, कंप्यूटर के पास जाती है। दैट्स व्हाई माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन होता है, सीपीयू। सीपीयू ना तो इनपुट डिवाइस होता है ना आउटपुट डिवाइस होता है, सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। आ सीपीयू प्रोसेस द डेटा और इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर एंड जनरेट्स द डिजायर आउटपुट। एक सीपीयू हम यूजर के द्वारा दिए गए डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, राइट। इट इज द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस। जो सीपीयू होता है वो मेन जो वो मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, एंड ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और क्या होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। द सीपीयू इज लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, जो सीपीयू होता है वो सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। Which is a rectangular box placed on or underneath your desk? जो rectangular box होता है इस टाइप का, ये हम इसे अपने टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं और टेबल के नीचे भी रख सकते हैं। इसके अंदर हमारा सीपीयू होता है। नेक्स्ट इज इट इज मेड ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। जो सीपीयू होता है वो थ्री मेन पार्ट से मिलके बना होता है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। द आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू गेट द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो हमारे कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए यूज होते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा। इनपुट डेटा की प्रोसेसिंग के बाद जहां हमें आउटपुट मिलता है वो हम क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ दीज डिवाइसेस। आइए कुछ आउटपुट डिवाइसेस को देखते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन। मॉनिटर पे हमें स्क्रीन पे आउटपुट दिखाई देता है, प्रिंटर से हमारा पेपर बाहर आता है, राइट, जो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है प्रिंटर। स्पीकर से वॉइस बाहर आती है एंड हेडफोन से भी वॉइस बाहर आती है। दैट्स व्हाई ऑल दीज आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डेटा। जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, रैम, रोम एटसेट्रा, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। कितने टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, टू टाइप्स के, प्राइमरी और इंटरनल स्टोरेज, सेकेंडरी और एक्सटर्नल स्टोरेज। प्राइमरी को हम इंटरनल स्टोरेज बोलते हैं, इसका मतलब वो सीपीयू के अंदर होती है, और सेकेंडरी और एक्सटर्नल स्टोरेज यानी कि वो हमारे सीपीयू के बाहर होती है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर प्राइमरीली यूज्ड बाय द सीपीयू। जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, सीपीयू के द्वारा। प्राइमरी स्टोरेज कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेमोरी डिवाइस। जो प्राइमरी स्टोरेज होते हैं वो दो डिफरेंट मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कंटेन करते हैं, फर्स्ट वन इज रोम एंड सेकेंड वन इज रैम। फर्स्ट वन इज रोम, ROM, इट इज स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। इट स्टोर्स द बेसिक इंस्ट्रक्शंस टू बूट, बूट मतलब स्टार्ट, स्टार्ट द कंप्यूटर। जो जितनी भी हमारी बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती है जो एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, वो सब कहाँ होती है, हमारे रोम में होती है। अगर हमारे कंप्यूटर में रोम ना हो तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा, स्टार्ट नहीं होगा। इट स्टोर द डेटा परमानेंटली, ये डेटा को कैसे स्टोर करती है, परमानेंटली स्टोर करती है। लुक हियर, दिस इज आवर रोम। ओके, नेक्स्ट इज रैम, इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज द कंप्यूटर मेमोरी। रैम क्या होती है, एक कंप्यूटर मेमोरी भी होती है। इट स्टोर्स द डेटा टेम्पररी, ये डेटा कैसे स्टोर करती है, टेम्पररी। जो रोम होती है वो डेटा परमानेंटली स्टोर करती है, बट रैम कैसे स्टोर करती है डेटा, टेम्पररी।
The CPU used it to store the supporting file of the programs which are currently running on the computer. CPU क्यों use होता है? जो जो भी हम जिस भी file पे हम काम कर रहे हैं या जो भी file हमारी open है, हमने वहाँ से कोई data save किया है, तो उस data को save करने के लिए, उस सभी files को save करने के लिए हम किसका use करते हैं? RAM का. हमारा computer किसका use करता है? RAM का. Next is secondary storage devices. A secondary storage devices is used to store the work done on a computer. Secondary storage devices होते हैं, वो क्या करते हैं? जो भी हम काम करते हैं, उन्हें store करने के लिए use होते हैं. और इसलिए कैसे यूज होते हैं? परमानेंटली. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमारी जो हमारा जो डेटा होता है वो कैसे स्टोर होता है? परमानेंटली. सम एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर गिवन बिलो. यहाँ क्या है? सम एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. फर्स्ट वन इज द हार्ड डिस्क. द हार्ड डिस्क इज द मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. जो हार्ड डिस्क होती है वो हमारे कंप्यूटर का मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है. इट इज लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट. ये किसके अंदर होता है? सिस्टम यूनिट के. All the work you do on a computer by default gets stored in the hard disk. जो भी काम हम करते हैं अपने कंप्यूटर पे, जब उसे सेव करते हैं तो वह by default यानी कि directly कहाँ सेव होता है? हमारी हार्ड डिस्क में. Look here, this is a hard disk. Next one is the CD. This is a CD. CD stands for compact disk. A CD is a bright round disk that can store information like video, audio, text, images, etc. एक CD bright होती है, round चमकदार होती है, round disk गोल होती है, और इसका use क्या होता है? ये हमारी information को store करती है. Information like video, audio, text, images, etc. Okay? In a CD we can store data up to 700 MB. हम कितना data save कर सकते हैं CD में? 700 MB. Next is the DVD. Digital versatile disk. A DVD looks similar to a CD. जो DVD होती है वो CD की तरह ही दिखाई देती है, but it can store more data than a CD. लेकिन वो हमारी CD से ज्यादा data store करती है. In a DVD we can store data up to 4.7 GB. हम DVD में कितना data store कर सकते हैं? 4.7 GB. GB की unit बड़ी होती है और MB छोटी होती है. Okay? Next is the pen drive. The pen drive is an easy to use small sized storage device. जो pen drive होती है उसे हम easily use कर सकते हैं. ये एक small sized storage device होता है. It is plugged into the USB port of a computer. तो यह कहाँ plug in होती है? US computer के USB port में. Pen drives are very popular external storage device. जो pen drive होती है वो बहुत ही popular external storage device होती है. एंड आर कॉमन नाउअडेज. सब लोग अपना डेटा स्टोर करने के लिए किसका यूज करते हैं? पेन ड्राइव का. प्रेजेंटली इन अ पेन ड्राइव वी कैन स्टोर अप टू 512 GB ऑफ डेटा. पेन ड्राइव में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 512 GB ऑफ डेटा, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है. ओके. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर. The software is a set of instructions or program that tell a computer hardware what to do and how to do. एक software क्या होता है? Software instruction का एक set होता है. Software instruction का एक set होता है और programs का that tell a computer, जो computer hardware को बताता है what to do, क्या करना है, and how to do, कैसे करना है. अ कंप्यूटर इज अ यूजलेस मशीन विदाउट अ सॉफ्टवेयर. एक कंप्यूटर एक यूजलेस मशीन होती है एक सॉफ्टवेयर के बिना. फॉर एग्जाम्पल विंडो 10, विंडो 7, टक्स पेंट, वर्ड पैड एटसेट्रा. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर. There are two major categories of software. Software की two major category कौन कौन सी है? System software and application software. First one is system software. It controls the overall functionality of a computer. जो system software होते हैं वो हमारे computer के overall complete functionality को control करते हैं. जितने भी functions होते हैं हमारे computer में ये उनको store करते हैं.
ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है विच प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू यूज अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को यूज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और रन स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑन अ कंप्यूटर. एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, हेल्प करता है कोई भी स्पेसिफिक टास्क करने के लिए या कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन रन करने के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल टक्स पेंट, वर्ड पेन एंड एमएस पेंट. अगर हमें पेंट करना है तो हम टक्स पेंट का यूज करेंगे. कोई भी एप्लीकेशन लिखनी है तो हम वर्ड पैड का यूज करेंगे, या फिर हमें एमएस पेंट को यूज करके हमें पिक्चर्स ड्रॉ करनी है तो हम एमएस पेंट का यूज करेंगे. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर रन कर सकता है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता. ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू यूज पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज. जो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं उन्हें हम कैसे यूज करते हैं. पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज मीन्स जो पोर्ट के थ्रू यूज किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज डीवीडी कॉम्बो ड्राइव. डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. दिस डिवाइस इज यूज टू रीड द कंटेंट ऑफ सीडी एंड डीवीडी. ये डिवाइस किस लिए यूज होता है, सीडी और डीवीडी के कंटेंट को रीड करने के लिए. यूजिंग अ सीडी डीवीडी, सीडी और डीवीडी को कैसे यूज करते हैं. टू यूज अ सीडी डीवीडी फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं, ये वाले. फर्स्ट वन इज प्रेस द डीवीडी कॉम्बो ड्राइव बटन. सबसे पहले जो ड्राइव है इसके बटन को प्रेस करते हैं. अ ट्रे विल कम आउट. जिस तरह इसमें ट्रे बाहर आ गई, देखो ऐसे ट्रे बाहर आ जाती है. पुट द डिस्क ऑन द ट्रे. जो डिस्क होती है उसे हमें किस पे रखना होता है, ट्रे पे. अगेन प्रेस द डीवीडी कॉम्बो ड्राइव बटन. डीवीडी कॉम्बो ड्राइव बटन को दोबारा प्रेस करना होता है. द ट्रे विल गो इनसाइड. उसके बाद जो ट्रे होती है वो अंदर चली जाती है. नाउ ओपन द दिस पीसी विंडो एंड डबल क्लिक ऑन द डीवीडी ड्राइव. अब क्या करना है, हमें दिस पीसी ओपन करना है इस तरह से. यहाँ पे हमारी सीडी शो होगी, हमें इस पे डबल क्लिक करनी है और यहाँ पे हमारा जितना भी कंटेंट होगा डीवीडी का या सीडी का वो सब ऐसे यहाँ ओपन हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट इज यूएसबी पोर्ट. जो यूएसबी पोर्ट होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, ऐसे. यहाँ पे हमारी यूएसबी यूज की जाती है. दिस पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल डिवाइस टू ए कंप्यूटर. कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूएसबी पोर्ट का. यूजिंग अ पेन ड्राइव. टू यूज अ पेन ड्राइव फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. फर्स्ट वन इज इंसर्ट द पेन ड्राइव इन एनी ऑफ द यूएसबी पोर्ट ऑन द सिस्टम यूनिट. पेन ड्राइव उसे हमें किसी यूएसबी पोर्ट में लगाना है. आफ्टर दैट ओपन दिस पीसी विंडो. दिस पीसी विंडो ओपन करनी है, वो ऐसी दिखाई देगी. उसके बाद क्लिक ऑन द न्यूली क्रिएटेड ड्राइव अदर देन द परमानेंट ड्राइव. जो हमारी सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, ये सब हमारी परमानेंट ड्राइव्स होती है. लेकिन जो हम कनेक्ट करेंगे अपनी पेन ड्राइव को अपने सीपीयू से, तो एक न्यू आइकन बनेगा इस टाइप से. तो हमें इस वाले फोल्डर पे डबल क्लिक करना है. देन द कंटेंट ऑफ द पेन ड्राइव विल डिस्प्ले. और जो हमारी पेन ड्राइव का कंटेंट होगा वो इस तरह से दिखाई देगा. राइट, नाउ नेक्स्ट वन इज क्विक रिवीजन. ओके, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स डेटा प्रोसेस इट एंड देन गिव द आउटपुट. एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो डेटा को लेती है, उसे प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट देती है. अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीओ प्रोसेस. एक कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर हैज टू मेजर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर्स के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन बी सीन एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. कंप्यूटर्स के वह सभी फिजिकल पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं और टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वह सभी क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर.
इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस किस लिए यूज होते हैं? हमारे कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। प्रोसेस डिवाइस प्रोसेसेस द इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंड जनरेट द आउटपुट। जो प्रोसेस डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं? इनपुट डेटा, जो भी हमने डेटा दिया है उसे प्रोसेस करते हैं और आउटपुट देते हैं। नेक्स्ट वन इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस किस लिए यूज होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आउटपुट डिवाइसेस का। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। स्टोरेज डिवाइसेस क्यों यूज होते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। कौन सी स्टोरेज होती है? प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। एक सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि कैसे काम करना है और क्या काम करना है। ओके, द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होती है उसकी दो मेजर कैटेगरीज होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। दिस इज योर होमवर्क, फन एक्टिविटीज। चूज द डिवाइसेज फ्रॉम दिस टेबल, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेज। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इन सभी पार्ट्स के नेम आपको यहाँ राइट करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर। इन सभी में से आपको राइट आंसर चूज करके लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, टिक ट्रू एंड फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर। यू हैव टू डू टिल हेयर, यू हैव टू डू योर होमवर्क योर सेल्फ। ओके, नाउ गुड बाय।